Hello everyone, welcome to the channel Simplifying UPSC with Ease with me, Arpita Sharma. Today we are going to start with a very interesting topic, which is megalithic cultures. Megalithic culture kya tha? Ye GS paper 1, history GS paper 1 ke syllabus ka bahut hi important part hai. Yahan tak ki history optional ka bhi important topic hai. This topic is not just relevant for GS paper 1, the history portion, but also relevant, equally important for your history optional also. So before starting with the class for today, I would like to ask you all to subscribe to my channel and please push the bell icon so that in the future if I release any kind of important lecture or class or series, you can get the notification and you can watch it on time. Now here, this is my Unacademy profile. Ye mera Unacademy profile hai, aap dekh sakte hain idhar, right? To aap Unacademy par jaakar Arpita Sharma आप टाइप कर सकते हैं इधर एजुकेटर्स सर्च ऑप्शन में एंड यू कैन ओपन अप माय अनअकैडमी प्रोफाइल. हियर आई हैव मेड फ्री कोर्सेज ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ऑन एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, द हिंदू डेली एनालिसिस आई एम डूइंग ऑन अनअकैडमी, मंथली एनालिसिस लास्ट 1.5 ईयर से मैं कर रही हूँ अनअकैडमी पर. तो आप वहां पर करंट अफेयर्स देख सकते हैं. हिंदू न्यूज़पेपर को डेली एनालाइज किया जाता है, डीकोड किया जाता है विद द नेम द हिंदू डीकोडेड. आई एम क्रिएटिंग फ्री लेसन्स, सो यू कैन विजिट अनअकैडमी टुडे एंड यू कैन वॉच ऑल दीज फ्री लेसन्स, फ्री कोर्सेज विच इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन. Now let's start with the class. आज की क्लास शुरू करते हैं. तो क्लास इज ऑन द मेगालिथिक कल्चर, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मेगालिथ, वी ऑल नो लिथिक मींस स्टोन. लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन होता है, राइट? सो व्हाट इज दिस मेगालिथ टर्म व्हेन इट कम्स टू मेगालिथिक कल्चर? मेगालिथिक कल्चर जब हम पढ़ने जाएंगे, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि मेगालिथ का मतलब क्या होता है. द टर्म मेगालिथ इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक टर्म. द ग्रीक टर्म इज मेगास. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन मेगालिथ और डिफाइन मेगालिथ इन द मेगालिथिक कल्चर, व्हाट विल यू राइट? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मेगालिथिक कल्चर में मेगालिथ मतलब क्या होता है, तो ये ग्रीक वर्ड से ये वर्ड लिया गया है. ग्रीक वर्ड था मेगास. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मेगास. एंड मेगास मीन्स ग्रेट एंड लिथोज मीन्स स्टोन. लिथोज इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड. सो देर आर टू ग्रीक वर्ड्स, मेगास एंड लिथोज. मेगास मीन्स ग्रेट. मेगा मतलब महान, बहुत बड़ा, बहुत ग्रेट. और लिथोज मीन्स स्टोन. लिथिक या लिथोज का मतलब होता है स्टोन. सो मेगालिथ रेफर्स टू मॉन्यूमेंट्स विच वर बिल्ट ऑफ लार्ज ग्रेट स्टोन्स. वो मॉन्यूमेंट्स जो कि बड़े बड़े लार्ज ग्रेट महान स्टोन से बने थे, उनको मेगालिथिक बोला जाता है. बट ऑल मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ बिग स्टोन्स आर नॉट मेगालिथ्स. अब ऐसा नहीं है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स, जो भी घर, जो भी महल, जो भी चीजें, जो भी स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े स्टोन से बनी है, उन्हें मेगालिथिक कहा जाएगा. बेसिकली द टर्म हैज अ रिस्ट्रिक्टेड यूज. इट इज ओनली अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर विच वर मेंट, यू नो, विच वर बिल्ट ऑफ लार्ज स्टोन्स, स्पेशली द ग्रेव्स. नाउ कब्र जो बनाई जाती है बड़े बड़े स्टोन से बनाई जाती है, तो उसे हम मेगालिथिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, राइट? मेमोरियल स्टोन्स जो होते हैं, महान लोगों को दफनाया जाता है तो उनकी जो कब्र जिन पत्थरों से बनाई जाती है, उन्हें हम उस कब्र को हम मेगालिथिक कह सकते हैं, मॉन्यूमेंट बोल सकते हैं. तो जरूरी नहीं है घरों को भी मेगालिथिक मॉन्यूमेंट कहा जाए. ओके, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर कॉलिंग अ हाउस अ मेगालिथिक मॉन्यूमेंट जस्ट बिकॉज इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ ग्रेट स्टोन. नो, राइट? द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज रिस्ट्रिक्टेड. Now when we talk further talk about megalithic structure, जब हम megalithic structure की further बात करते हैं, in the other words we can say that megaliths usually refer to the burials made of large stones. So remember this point. यहां से ये जो point है इसको आपको याद रखना है. Basically what are megaliths? These are burials. जो आप कब्र देखते हैं वो megaliths कहीं कहलाई जाएंगी क्योंकि वो बड़े बड़े stones से बनती हैं, right? So when we move forward, let's start with a homework question for all of you. So this is a homework question for all of you. Megaliths are the most strikingly common features of prehistoric cultures from the icy fjords of Norway to the tropical plains of Tamil Nadu. Examine the features and cultural importance of megaliths in India. So you have to examine the features of megaliths and cultural significance of megaliths in India in 200 words. This is the homework for you for today. Now let us understand the spread of megalithic architecture in Europe.
In Europe, the megaliths are in general the constructions which have been made, which have been built or done during the Neolithic or late Stone Age and Chalcolithic or the Copper Age. From the Neolithic and till the Chalcolithic period, whatever construction, whatever buildings were constructed or erected, so those are part of Europe megaliths. Megalithic structures of Malta are believed to be the oldest in Europe. Now this becomes important for your prelims. Now megalithic structure, Malta ke jo megalithic structures hain, wo sabse oldest megalithic structures hain Europe ke, right? Perhaps the most famous megalithic structure is Stonehenge, which is located in England. Now in Sardinia, in addition to domens, menhirs and circular graves, there are also more than 8,000 megalithic structures made by a Nuragic civilization. This was a kind of civilization. As Indus Valley civilization, there was Nuragic civilization also. अब इस Nuragic civilization, जैसे कि Indus Valley civilization हमने पढ़ा है, ऐसे ही Nuragic civilization थी. इस civilization को Nurag भी कहा जाता है. वो लोग towers बनाए करते थे. बहुत ही complex structures होते थे. सिर्फ पत्थर, rocks use करके ये towers बनाए जाते थे. They are often near giants' grave or the other megalithic monuments. Now let us one by one understand the chronology of megalithic culture in India. How this megalithic culture started? Timeline ke hisab se hum isko padhenge, right? Now megalithic cultures in India, including the North India also, they have been roughly assigned to a prehistoric period or to a great antiquity by different scholars. या तो किसी प्री हिस्टोरिक पीरियड में ये स्ट्रक्चर्स बने थे या प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद ये स्ट्रक्चर्स बने हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस हिस्टोरियंस बट देयर डेटिंग लैक्स द मेरिट ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन वेल ऑब्जर्व्ड आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट सो दिस डेटिंग इज जनरली काउंटर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट प्रॉब्लम ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ दीज कल्चर्स हैज इवेडेड अ क्लियर सॉल्यूशन बेसिकली एक्सकवेशन के हिसाब से हम डेट देते हैं एक पर्टिकुलर मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स को और एक्सकवेशन अभी तक चले आ रहे हैं एक्सप्लोरेशन अभी हो रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी नहीं असाइन कर पा रहे इन मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स को एक पर्टिकुलर ये नहीं समझ पा रहे कि सबसे पहला वाला कौन सा था उसके बाद कौन सा आया उसके बाद कौन सा आया क्योंकि अभी तक एक्सप्लोरेशन हो रही है और अभी तक हमें नए नए मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं The problem in knowing the chronological span of the megalithic cultures in South India lies in the fact that only a few radiocarbon dates are so far available. अभी जो problem है South India में कि हमें अभी तक timeline एक assign नहीं कर पा रहे हैं, timeline नहीं दे पा रहे हैं megalithic structures को. तो ये problem क्यों आ रही है? क्योंकि अभी तक radiocarbon dates जो हैं एक स्ट्रक्चर कौन से टाइम पीरियड में बना था वो बहुत ही कुछ ही मेगालिथिक हैबिटेशंस और मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स को दी गई हैं, राइट नाउ ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ मेगालिथिक कल्चर मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स आर अमंग द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिमेन्स ऑफ मैन टाइम स्पेस में अगर हम देखें तो मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स जो है वो आदमी के इंसान के बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड बहुत ही लार्ज स्केल पे फैले हुए हैं ये मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स हर जगह जहां भी ह्यूमंस बसने की कोशिश करते हैं वहां पर मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स हमने देखे हैं द ओरिजिन ऑफ द मोस्ट मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स इज प्लेस्ड इन द मेडिटेरेनियन रीजन ऑल्सो अगर हम ओरिजिनेशन की बात करें तो मेडिटेरेनियन रीजन के पास ये ओरिजिनेशन शुरू हुआ था अर्ली नियोलिथिक पीरियड में क्योंकि यहीं से ट्रेडर्स जो है न्यूलिथिक पीरियड में सेटलिंग होनी शुरू हुई थी लोग बसना शुरू हुए थे व्यापार करना शुरू हुए थे चाहे वो छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो यहीं से न्यूलिथिक पीरियड में मेडिटेरेनियन रीजन से ही हमने मेगालिथिक कल्चर जो है वो बढ़ता हुआ देखा क्योंकि यहीं से जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो मेटल्स के सर्च में कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के सर्च में अटलांटिक कोस्ट से लेकर वेस्टर्न यूरोप तक वहां से एजियन कोस्ट तक वहां से सदर्न यूरोप तक ग्रीस से होते हुए सदर्न यूरोप तक ट्रैवल करते आए हैं और जहां जहां इंसान ट्रैवल करता आया है वहीं जहां पर ट्रैवल किया है वहीं अपने निशान छोड़े हैं वहीं पर ही उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं वहीं पर ही उन्होंने घर बनाए हैं वहीं पर ही अपने सेटल होने के लिए हैबिटेशंस बनाई हैं और वहीं हमने मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स भी देखे हैं जहां इंसान रहेगा वहां मृत्यु भी होगी लोगों की और मृत्यु होती है तो ग्रेव्स बनते हैं कब्र बनती है तो हमने ये कब्र बनती हुई देखी है मेडिटेरेनियन रीजन में इसका ओरिजिनेशन देखा है नाउ डिफरेंट थ्योरीज दे हैव ऑल्सो been put forward regarding the origin and diffusion of megalithic cultures.
by the scholars. अगर हम सी वॉन एफ हिम डॉफ की माने तो मेगालिथिक फोक, मेगालिथिक जो लोग थे साउथ इंडिया के, दे वर दी ड्रविडियन स्पीकर्स, ड्रविडियन लैंग्वेज में आते थे, हु केम टू दी साउथ इंडिया फ्रॉम दी वेस्ट बाय द सी. बट वी फाइंड दैट द टिपिकल वेस्ट एशियन मेगालिथ, they came around the, you know, they yielded the bronze objects. Because of these ways, West Asian megaliths, the bronze metal was identified. And this culture came to an end in the last phase of their bronze age, that is around 1500 BC. Now, the material and chronological difference between the megalithic culture of northern India and southern India. So, there is a difference between the megalithic culture of the two portions of India, northern and west southern India. The megalithic culture varies. It suggests that coming of this culture into Indian subcontinent would have taken place by two routes. That is, now why this megalithic culture, how this megalithic culture entered North India and how it entered South India. There are two routes, two different routes. First route is from the Gulf of Oman to the west coast of India. And second route, the following the land route from Iran. So first route is from Gulf of Oman to the west coast of India. Second route is land route from Iran. Okay. So these are the two routes through which the megalithic culture entered our country. Now, very important point for prelims and for GS paper 1 and for history optional also is classification of megaliths. Now, it's not easy to prepare a topology of the megalith or a characteristic of megalith, right, of the South India in general. Moreover, there are megaliths which are internally different but exhibit the same external features. ऐसे बहुत सी megalith कह सकते हैं, buildings हैं, जगह हैं, जो अंदर से तो different है, internally इनका inbuilt different है, बाहर से ये same होती हैं, features same होते हैं. Nevertheless, on the basis of explorations and excavations carried out on different sites of South India, the megaliths can be classified under different categories based on their different features or characteristics. First is the rock cut caves. Second, the hat stones or the cap stones. कब्र के ऊपर जो आप stones देखते हो वो. Third is menhirs, alignments and avenues. Then dolmenoid cyst, cairn circles, stone circles, pit burials and barrows. These are the different types of megalithic structures. Based, they are varied because of their different features. All right. So this was all about the megalithic culture. Only this much is relevant for GS paper 1 and for history optional also. And this is today's homework for all of you. Ye aaj ka homework hai aap sabhi ke liye. Do try to answer this question, right? So the more you write, the more you will be prepared for mains, UPSC mains and your history optional also. I hope you enjoyed the class. Agar aapko class achhi lagi, to hit the like button, right? And hit the bell icon also. To never miss any update from my channel. Thank you and have a nice day.